से 2 साल पहले जब मैं टंकी लगाकर यूरोप के सफर के लिए निकल रहा था तो मैंने अपनी मंगेतर से वादा किया था कि वापस आते ही मैं उससे शादी कर लूँगा। लेकिन जब मैं तुर्की से बल्गारिया पहुंचा तो बल्गारिया के जंगलात में मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया और मैं 2 साल तक वहीं भटकता रहा। फिर वहां की गवर्नमेंट ने मुझे पकड़कर पाकिस्तान वापस भेज दिया। मैं बहुत खुश था कि मैं अपने वतन पाकिस्तान में वापस आ गया। सारे घर वालों से मिलने की खुशी एक तरफ थी और अपनी मंगेतर से मिलने की चाहत एक तरफ। मैंने सोच लिया था कि मैं गांव पहुंचते ही अपना वादा पूरा करूंगा और मैं अपनी कजन से शादी करके अपनी सारी जिंदगी अपनी कजन के साथ गुजारूंगा। लेकिन जब मैं गांव पहुंचा तो वहां सब थे लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई। मैंने घर वालों से पूछा तो वो मुझे कहने लगे कि जब तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो हम सबने यही समझ लिया था कि तुम मर चुके हो और हमने भी मान लिया था, मगर वो नहीं मानी। वो हर वक्त यही कहती रहती थी कि तुम जिंदा हो और तुम वापस जरूर आओगे। वो तुम्हारी तस्वीर को गले लगाकर रोती रहती थी और हर वक्त दरवाजे को तकती रहती थी। फिर उसके लाख मना करने पर भी हमने तुम्हारे भाई से उसकी शादी रख दी और शादी से ठीक एक दिन पहले उसने अपनी जान दे दी। मरते वक्त भी उसकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम था। वो हमें बार बार कह रही थी कि तुम जिंदा हो और एक दिन जरूर वापस आओगे।